अधीर रंजन चौधरी जी। सर, आपने अपना पीड़ा जताई और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी दो तीन बात कहूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं इच्छित ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर, मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे के साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है, और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्सचर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे के बाद यहां से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं, फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले, और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं, आप बताइए। ये मैं सब एक एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो, और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें, और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पे चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे, ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं, इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सर, मैं एक छोटी सी बात, मान लीजिए सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को साजा होता है, वो भी मौत की साजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम, ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मत को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर, ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए अध्याय की आगाज ना करे, ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिला को महिमंडित किया जाता है सर, दिशा सुबे एक्सपंज, रोजाना महिला को सर, सर दिशा सुबे एक्सपंज सर, महिला सर, ये क्या चल रहा है सर, वो चर्चा इस सदन में, चर्चा और सदन मेरिट पर चलना चाहिए सर, प्रधानमंत्री इसमें जो कि महिला जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था, ये रिकॉर्ड पर है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात कर रहा, जो हुआ है सारे देश, इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी 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 हमारे हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो है वो मैं बात करो, सुनने का हिम्मत नहीं है क्या करें। अरे हम क्या ज्यादा कुछ मांगे हैं, यहाँ रक्षा मंत्री जी है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K Mall is in the heart of Kolkata's electronic
garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now